तो उसका काम हो चुका है दोस्तों, अब हम इसको लेके चलेंगे सीधे गौशाला और सत्यानाश हो गया है। तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज की इस नई वीडियो में। तो अभी हम पहुंच चुके खेत में और रामू हमारे साथ है। जैसा कि आप सभी को पता है रामू बैल का नाम है और ये हमारे साथ है और अभी चलते हैं खेत में। खेत में पहुंच ही चुके हैं अभी और अब हमें ढोना है भूस। पूरी पार्टी है, देखो आर्यमन बैठा है, विन्नी है, दो भाई उधर है, बोरे गमछा गुमछा डाल कर पूरे रेडी हो रखे हैं और खेत पहुंच चुके हैं। चल भाई चल, इधर को इधर को इधर को चल भाई, थोड़ा सा वो डंठल लटानी पड़ेगी, चल आगे हट जा। तो खेत आगे हट जा इसके। तो खेत पहुंच चुके हैं और अभी भूस हमारे सामने है, इधर को आ जा। तो खेत में पहुंच चुके हैं और रामू को खोल दिया। यहाँ क्यों बांध रहा? अच्छा इसमें बांध रहा क्या? चलो बांध दे। तो अभी इसको बांध दिया है और अभी इधर भूस पड़ा हुआ है, देखो इसको टहनी से ढका हुआ है जिससे कि उड़े ना हवा में। और अब इसको उतार के पीछे पल्ली लिया, अब उसमें उसमें रखी है बुग्गियों, पल्ली पल्ली में भरेंगे। अभी थोड़ी देर इसको खोल देते हैं, हम 12-13 पल्ली ले रहे हैं। पल्ली भरने के बाद जब बुग्गी जोड़ेंगे उसके बाद चलेंगे। और लगभग अभी 4:30 बजे हुए हैं, गर्मी भी काफ़ी हो रही है, गर्मी काफ़ी हो रखी है। तो अभी देखते हैं कितनी देर काम चलेगा। आर्यमन तो साथ पहली बार भूस ढो रहा, पहली बार ढो रहा भाई, पहली बार विन्नी अभिषेक जी, पहली बार, पहली बार विन्नी, पहली बार, पहली बार भूस ढो रहे। और इनकी हालत देख रहा है थोड़ी देर बाद कैसी होती रहेगी, क्योंकि जिन्होंने भूसा आसा ढोया नहीं ना उन्हें आदत नहीं होती। और आपको पता ही होगा जो गाँव के होंगे भूस काटता भी है, जहाँ भी लगता है ना पसीने में वो काटता है। तो बस अब कर देते हैं शुरू। तो हमें 1.25 घंटा लगाया है इस पोट को भरने में, जितनी पोट हमारे पास थी 16-17 पोट थी, 1.25 घंटा लगाया है और ये भर रख दिया, शायद 16-17 पोट है। और अब लेकर चलते हैं बुग्गी पर रखते हैं, रामू तैयार खड़ा है, सभी भाई रेस्ट ले रहे हैं अभी 1-2 मिनट का, बस अभी लेकर चलते हैं। भाइयों ने तो रखनी भी शुरू कर दी, रखनी शुरू करो भाई ने। तो अभी भूस बिल्कुल भर चुका है और रामू बिल्कुल रेडी खड़ा है, आर्यमन बैठा है। तो अब इसको लेकर चलना है यहाँ से गौशाला में, जहाँ पर हमें खाली करना है। अभी भूसे का कमरा तो रेडी नहीं हुआ, लेकिन उसके सामने जो खेत है वहाँ पर ले जाकर डाल देंगे, क्योंकि ऐसा है वहाँ पर अपने सामने रहेगा। और यहाँ पर फिर अपना हमको यहाँ पर चेरी बोनी है, जो घास होता है ना, घास वही बोना है और फिर वहाँ पर सामने ही रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो चलिए अब चलते हैं। तो उसका काम हो चुका है दोस्तों, अब हम इसको लेके चलेंगे सीधे गौशाला और सत्यानाश हो गया है, अब हमें दोबारा करना पड़ेगा ये सारा। तो अब करते हैं दोबारा। तो अगला चक्कर जब लगाया उस समय अंधेरा हो चुका था, वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा था, अंधेरा हो रहा था खेत में। और अभी हम अपने घर पहुंच चुके हैं, घेर में हैं, रामू को ले आए थे बांध दिया था और ये इसने घास भी खा लिया है और अभी आराम से अपने घास को जुगाल रहा है। देखो अपने घास को आराम से जुगाल रहा है, घास डाल दिया इसके आगे और बाकी काम जो है कल करेंगे। जितना भूसा आज ढोना था ढो दिया, बाकी कल को करेंगे। और अब ये है सोने का समय, लगभग 9:30 बज चुके हैं और 10-15 मिनट में सोने का समय हो जाएगा, उसके बाद फिर सोते हैं। और भोली यहाँ पर बंध रही है, इधर भोली भोली देखो अब इसका भी सोने का समय है और हमारा भी सोने का समय है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में।